हेलो राम, हिमाचली फैमिली, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज जो है मेरे घर देवता आने वाले हैं, श्री द्रोणगिरी, जो कि मेरे ससुराल से है, छुच्छल से, ये पद्र से पीछे पड़ता है, जो रोपा है, पोस्ट ऑफिस रोपा, तहसील पद्र, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, बारिश लगी है हल्की हल्की, और इधर उधर धुंध पड़ी है, और सर्दी दोबारा से आ गई है, ठंड बहुत हो गई है, और यहाँ पर चली हुई है तैयारी। यहाँ पर देखिए, बंद कर गाना, कॉपीराइट आना। यहाँ पर देखिए वो बन रही है, रोटियां बन रही है, यहाँ पर चाय बन रही है, यहाँ सारा साहब इंस्टाग्राम देख रहे हैं। और यहाँ पर पापा जी लगे हुए हैं तड़का लगाने में। ये बन रही है दाल इधर, और इधर बन रहा है मटर पनीर, और अभी कढ़ी बनेगी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में आपको और बताते रहेंगे धीरे धीरे, बीच बीच में जैसे जैसे मुझे समय लगेगा। ये देखिए दोस्तों, धुंध का खूबसूरत नज़ारा। ये है हमारे पड़ोसी का डॉगी, इसका नाम है शेरू। ये बहुत खेलता है बच्चों की तरह, छोटा सा बच्चा है। फ्रेंड्स, ऐसे मौसम में दौड़ लगाने का बहुत मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मौसम देखिए बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा, नजारा खूबसूरत है। और हाँ, थक जाता हूँ मैं, अब दौड़ने की ज़्यादा आदत नहीं रही है। उधर देखिए खूबसूरत, पूरा पहाड़ ढक चुका है धुंध से, नज़ारे ही नज़ारे हैं। इस पहाड़ी के पीछे ब्रोट पड़ता है, और यहाँ से देवदार के पेड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर गांव है, सरी गांव पीछे, उसके ऊपर फुलरीधार, फिर परे से नीचे को ब्रोट दिखता है फुलरीधार से। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, ठंडा ठंडा मौसम, और इधर उधर का नज़ारा खूबसूरत, धुंध पड़ी है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मज़ा कुछ और ही हो जाता है, मज़ा डबल हो जाता है। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं साथ में। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पेड़ों में जो है पानी की बूंदें फंसी है, बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई इतना पानी हाल ली के खिलाई तो बुखार है, तो से रखना देवे जेबे जे देव उरले पर पहुंच जाएगा इस टाइम। तो ये सही बे उबली जाना, बहुत टाइम लगता है तेरे को पानी उबल जा पक्का करता हूँ ना कोई मान जाना कौन कौन। फ्रेंड्स, इसके अंदर चावल को उबालते हैं और इसके अंदर चावल बनाते हैं। पहले इसमें पानी डालते हैं, फिर पानी को गर्म करते हैं, जैसे ही पानी उबलना लगे फिर चावल डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, और उसके बाद हो जाते हैं चावल तैयार। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे, ये तो हुई नहीं ऑन, ऐसे करेंगे, अभी भी नहीं जड़ी, ऐसे अभी भी नहीं जड़ी, आखिर ये हिल नहीं रही है। ओह, ये तो फ्री हो गई है यहाँ से, अब इसको कैसे ऑन किया जाए। ऐसे ऐसे, ओह ये तो बड़ी जोर की ऑन हो चुकी है। ओह भाई साहब,
फ्लेम को बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स दालें और कढ़ी बन चुकी है, अब हम बनाएंगे हलवा। देवता पद्धर से निकल चुके हैं और फोन कर दिया है हमने वहाँ कि कहाँ जैसे पहुँचे, अभी रास्ते में है, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम बनाएंगे हलवा देवता को चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में हम हलवा बनाएंगे और बाहर लगी हुई है बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी है, कभी रुक रही है कभी हो रही है, ये देखिए। और ठंड बहुत हो गई है, पिछली साल आज के ही दिन गर्मी बहुत थी और इस बार तो ठंड बहुत है, इस बार बारिश हो रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आग तपना कौन सा दियो इस बार, फ्रेंड्स अब हम हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखते ये हलवे का सामान है और अब हम बनाएंगे हलवा। बड़ी मेहनत करना को है वीडियो बनाने बाद लगे ये ऑप्शन का है तो तुझे थे रखे थे तेरा ऊपर बस 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 पिछड़े हैं मतलब कई बार छीटे छूटे पे जाओ ना ऊपर आगे पानी रे ये बंद हो जाती स्क्रीन पर आईडिया ने कर दे रहे कैप्चर लावारा ले वो जीजू तो बंद है, वो बंद है, वही है ये बंद है रहा अंदर एड़ा पर वीडियो चालू है पैकेट ला दे वो पाए सामान सब खरीदा है। अब बंद है रहा ओ नहीं ये डायरी वीडियो लाइव बनानी बंद करे बेटी बंद ही लगती है ये तो कोड़ा लगता पूरा
फैक्ट्री डैडी क्या हुआ तो ये बंद दे दो मुझो कितना भी भाई जा रहा नहीं है बाइक अच्छा 360 है बस कर दूं बंद हम पहुंचने वाले हैं गुम्मा के पास और यहां से देखिए कांगड़ा हवाई अड्डा 88 किलोमीटर और नूरपुर 139 और नगरोटा बंगवा 71 किलोमीटर और यहां से 163 किलोमीटर है पठानकोट। चलिए गुम्मा के पास हम पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा रहा है गुम्मा, थोड़ा सा हल्का सा। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं गुम्मा में और ये गुम्मा का बस स्टैंड है। ये है वर्षा शालिका गुम्मा। हम यहां से जाएंगे हराबाग तक और आगे आपको नम की खान जहां पर थी वो भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं देहरे के मोड़ में शनि मंदिर के पास। ये सामने शनि मंदिर है और यहाँ पर खानी का नाल था, मतलब यहाँ पर नमक की खान थी। गुम्मा आपने सुना होगा, गुम्मा और द्रंग नमक के लिए सुप्रसिद्ध है। तो ये गुम्मा है जहाँ पर नमक की खान थी, लेकिन पहाड़ ढह जाने की वजह से अब बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पर नमकीन पानी निकलता है तो आपको नमकीन पानी दिखाएंगे और ये पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से पानी भर के ले जाओ नमकीन पानी और पशुओं के चारे में छिड़क दो, फिर उनकी भूख बढ़ जाती है। तो पशुओं के लिए इस पानी को दिया जाता है जो कि बिल्कुल ही नमकीन है, आप इसकी एक घूंट भी नहीं पी पाओगे। तो चलिए सामने नमकीन पानी के पास जा कर के आपको पानी बताते हैं और इधर उधर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स यहाँ पर नमक की खान थी और 2005-06 में जब मैं यहाँ पर पढ़ता था गुम्मा स्कूल में 9th में, तब ये दब चुकी है। नीचे खान थी और जो खान थी वो भर चुकी है इस मलबे के कारण और ऊपर से पहाड़ भी ढह चुका है और अब ये खान बंद है। मगर यहाँ पर नमकीन पानी निकलता है, ये देखिए ये बिल्कुल ही नमकीन पानी है। इसकी अलग से वीडियो डाली है मैंने चैनल पर और ये पानी जो है इसकी आप एक घूंट भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि इतना नमकीन है ये।
लेकिन आप पशुओं के चारे के लिए ले जा सकते हैं। जैसे पशुओं के चारे में इसको डालेंगे तो पशुओं की भूख बढ़ती है, और जो नमक है वो आपको दुकान का नहीं खिलाना है पशुओं को, क्योंकि वो फर्टिलाइजर किया होता है, हमारे लिए भी हानिकारक होता है, लेकिन हमें तो खाना ही पड़ेगा, जाना कहाँ है। लेकिन इस पानी को अगर आप चारे में डालेंगे तो पशुओं की भूख बढ़ती है, और यदि गले में खराश हो तो इसके गरारे कर सकते हैं। तो जब भी आप गुम्मा के पास से गुजरें तो इस पानी को यहाँ से ले जाएं किसी बोतल में या फिर कैन में, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। चलिए अब हम देवता के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेंगे आपको हिल टॉप के पास जा कर के, और आसपास खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। मार्च में वैसे बहुत गर्मी होती थी, पसीने पड़ते थे चलते हुए दिन में, लेकिन इस बार बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है, आग सेकना पड़ रही है। तो नज़ारा आप देख लीजिए, फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हिल टॉप के बिल्कुल नज़दीक, सामने हिल टॉप है। और गर्मियों में जब फुल गर्मी होती है तो आप यहां से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर एक वाटरफॉल है, बहुत ऊंचा वाटरफॉल है, चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर वीडियो मिल जाएगी पुरानी वीडियो में, हिल टॉप के पास वाटरफॉल, और उस वाटरफॉल में जा कर के आप नहा सकते हैं बिल्कुल फुल गर्मी में। तो चलिए मिलेंगे आगे चल के। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हिल टॉप के पास, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, और यहाँ पर 5 मिनट रेस्ट के लिए रुके हैं, और ये इधर उधर का नज़ारा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी है, और यहाँ से बोर्ड लगा है मंडी की तरफ को, हम जा रहे हैं जोगिंदर नगर की तरफ को, हमने जाना है हरा बाग, और ये मनाली के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा है, मनाली 155, कुल्लू 115, 115 किलोमीटर, मंडी यहाँ से 48 किलोमीटर है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर ढाबा एंड रेस्टोरेंट है हिल टॉप, और इधर उधर बढ़िया है, और यहाँ पर नाले के पास लगता ही वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पर आप गाड़ियाँ धुला सकते हैं, और यहाँ पर बरसात में सब्जियाँ भी मिलती है, ताज़ी सब्जियाँ, यदि बरसात के टाइम आप यहां से गुजर रहे हो तो ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले जाएं। और यहां के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, यहां से ट्रैकिंग करके जाना हो तो आप फुलर धार पहुंच सकते हैं वाया चरडुग, और टाटरी धार ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। तो चलिए आगे बढ़ते जाएंगे और आगे मिलेंगे आपको गल्लू के पास। देखिए एक छोटा सा बच्चा वीडियो बनाते हुए, ये बच्चा बहुत खतरनाक है, उम्र 14 साल, नाम पुनित। ये 15-15, 30-30 किलोमीटर देवता के साथ चलता है 14 साल की उम्र में। हम
पहुंच चुके हैं गल्लू में, और गल्लू से आगे हम जा रहे हैं हरा बाग में। लगभग हम 8 किलोमीटर पैदल चल के आए, और अब 2-2.5 किलोमीटर आगे और पैदल जाएंगे। और ये गल्लू में जो है चौक है, यहाँ से एक रोड ऊपर मल्लन को गया, और एक रोड जोगिंदर नगर हरा बाग को, और एक रोड मेरे घर को इस तरफ को, जो कि मंडी वाला रोड है, और यहाँ से एक रोड गया घरौन को। घरौन यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, और यहाँ पर बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ है गल्लू। तो गल्लू जो है एक बहुत प्यारा गांव है, जो कि घटासनी के सामने पहाड़ी पर पड़ता है, और परे से अगर देखेंगे जोगिंदर नगर से तब भी ये बढ़िया दिखता है। मतलब कि एक टॉप की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से जो टूरिस्ट एरिया है नज़दीक का, वो है बीच कैंप। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर इंडिया की नंबर वन जो पहाड़ी ट्रॉली है वो जाती है, मतलब कि पहाड़ी रेल बोल लो या कुछ भी, उसको वैसे इंग्लिश में हॉलेज ट्रॉली कहते हैं। तो हॉलेज ट्रॉली इंडिया में सबसे पहली ट्रॉली यही है, जो कि बहुत पुरानी है और पूरे एशिया में गिने चुने स्थानों में से एक है। और यहाँ पर चाय के लिए बोल रहा है, क्या नाम है आपका? अश्विन ठाकुर। थैंक यू। और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। शाम का समय है, 7 बजने वाले हैं, अब अंधेरा होने वाला है। यहाँ पर शाम को देव पशकोट जी और देव हृंगनारायण जी भी आएंगे, जो कि हरा बाग में मिलेंगे। मैं हूँ श्री द्रोण गहरी देवता के साथ, और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। चाय पी लेते हैं। गर्मा गर्म चाय और फैन का मजा लेते हुए 4 बंदे, एक ने तो कोली टोपी डाली है, किनौरी फूल लगाए हैं, एक बंदा हुड्डी डाल के आया है, एक ने बैग डाला है, और एक बंदा बहुत खतरनाक है, ये हर साल देवता के साथ आता है, उम्र 14 साल। नाम? यो 15। नाम क्या है? सुमित। सुमित, ये बंदा करेगा जिंदगी में कुछ कमाल, अलग ही कर दिया इसने कुछ अलग ही। राम हिमाचली फेसबुक में मिल रहा हूँ। के थी शानू नहीं से। चलो जी, शाम का समय है, अब आगे चलेंगे थोड़ी देर में। ओ रुक, चल अब। हेलो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं हम गढ़ू के पास पहुंच गए हैं। वहां पे देखिए देव रूण घरी जी, यह आज हरा बाग जा रहे हैं, और कल यह गोविंद नगर मेले में पहुंच जाएंगे। देखिए आप जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त हरा बाग में, और देवता यहाँ पर रुके हैं, श्री द्रोण गहरी और श्री देव पशकोट, हुरंग नारायण और गल्लू गहरी। और सुबह यहाँ से मेले के लिए जाएंगे जोगिंदर नगर में, कल है 1 तारीख। क्या नाम है आपकी दुकान का? कृष्णा कृष्णा। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है मोबाइल के, मोबाइल है और मोबाइल एक्सेसरी है, और रिपेयर का काम भी ये करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉनिक काम भी करते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे?
और यहाँ पर जो निचले हारबाग में बस स्टैंड है इसके साथ ही इनकी दुकान है, यहाँ आकर विजिट करें। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय श्री द्रोणगिरी, जय देव पशुपोत, जय श्री उर्ग नारायण और जय श्री गलुगरी। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।